ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना और खासकर इस शो के जरिए यूके के रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना। सो रेगुलरली एक इंक्वायरीज लगातार मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी मंथ्स से। सो आई थॉट कि वाई नॉट टू मैंशन इट पर्टिकुलरली इन अ शो, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लस टू के बाद स्पाउस पॉसिबल है। और यहाँ बहुत सारे लोग, मैं ऐसे भी कहूँ कि मिसगाइड भी हुए हैं, जिनको कंसल्टेंट्स ने प्लस टू के बाद स्पाउस प्रॉमिस किया है। तो पहले तो मैं आपको ये बहुत क्लियर कटली बता देना चाहता हूँ कि यूके के अंदर प्लस टू के साथ, यहाँ प्लस टू करने जो स्टूडेंट जा रहा है, प्लस टू के बाद जो जा रहा है, उसके साथ स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा पे ट्रेवल नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी क्लियर फिगर। वहाँ पर अगर स्पाउस जा सकता है तो जहाँ तो प्लस टू स्टूडेंट अगर जा रहा है पढ़ने, तो उसके बाद वो टूरिस्ट वीज़ा की कोशिश कर सकता है। और टूरिस्ट वीज़ा के लिए प्रोफाइल असेसमेंट अलग रहता है, सक्सेस रेट उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि डिपेंडेंट कैटेगरी में 100% मिलता है। सेकेंडली, अगर आप प्लस टू के बाद स्पाउस जाने का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसको पहले ग्रेजुएशन ख़त्म करनी होगी, फिर ग्रेजुएशन के बाद उसे मास्टर्स का प्रोग्राम लेना होगा, तभी वो स्पाउस को बुला सकता है। बिकॉज यहाँ पर एक लॉ और है कि जिसको अगर आपने अपने डिपेंडेंट को स्टडी वीज़ा के दौरान नहीं बुलाया तो आप उसे PSW वीज़ा के दौरान भी नहीं बुला सकते। तो जब बच्चे की ग्रेजुएशन ख़त्म होती है तो ग्रेजुएशन तक वो स्पाउस को बुलाने के लिए एलिजिबल नहीं है, और उसके बाद अगर वो PSW लेता है तो फिर भी वो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकेगा। तो उसे एक मास्टर्स में एडमिशन लेनी होगी और तभी वो अपने स्पाउस को बुला सकता है, फिर स्पाउस उसके साथ हमेशा के लिए वहाँ रह सकते हैं। सो स्पाउस जो पॉसिबल है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ पॉसिबल है जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, और वो अपने स्पाउस या इवन बच्चों को भी साथ में ट्रेवल करवा सकते हैं, उनको साथ में लेके जा सकते हैं। और यूके के लिए सेप्टेम्बर इनटेक इज वेरी नियर और बहुत ही लिमिटेड डेज बचे, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम और इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करें अगर अभी भी आप सिर्फ सोच विचार के चक्कर में हैं। बिकॉज बहुत अच्छा सक्सेस रेट भी देखने को मिल रहा है, और नॉर्म्स और एडमिशंस और यहाँ कह लें कि रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसीज हैं, इस टाइम नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ ओपन है, तो काफ़ी रिलैक्सेशन भी है जो आगे जाके नहीं होगा। बिकॉज जैन और नवंबर इनटेक में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके लिए ऑप्शंस भी बहुत कम हो जाती हैं। आगे भी जुड़े रहें चैनल के साथ ताकि रेगुलर अपडेट आपको यूके को लेके मिलते रहे। सो जो दोस्त अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं वो इमीडिएटली ब्रॉडवे की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्त, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स। नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।